पाकिस्तान, दिस इज मी हदील साहल अल बलूची। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हमेशा की तरह आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें। नाउ मैं ये सोच रही थी कि आई एम नॉट अ रिलेशनशिप गुरु, यू नो आई कांट एक्सप्लेन यू द थिंग्स जिस तरह से कि एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता है। बट मैंने फिर भी सोचा कि नहीं यार, आप लोग इतना प्यार से मुझे बोल रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत स्टडी करूँ, रिसर्च करूँ और उसके बाद अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ज़िंदगी के जितने तजुर्बात हैं उनको मिला के एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए बनाऊँ और आपसे बात करूँ। अब आज का जो टॉपिक है, इफ़ यू आर मैड एट योर एक्स, अगर आप गुस्से में हैं अपने एक्स के ऊपर, अब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप होने वाला है, या आप सोच रहे हैं कि यू नो टू हैव अ ब्रेकअप और अ पैचअप, तो अब क्या क्या हो सकता है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि जब आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रिलेशनशिप सोच समझ के शुरू किया जाए। आपको ये भी मालूम हो कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, आपने एकदम से जंप नहीं करना कि यू नो मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेहाना पसंद है या मुझे सलीना पसंद है या मुझे अहमद पसंद है या मुझे साद पसंद है, बस मेरा क्रश है, तो यू नो मेरा क्रश है तो बस अब मैंने उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करना है। यूनिवर्सिटीज में अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि 4 साल आप लोग साथ रहते हो और जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो किसी की अम्मा नहीं मान रही होती है, तो किसी के अब्बा नहीं मान रहे होते हैं, किसी की फुप्पी नहीं मान रही होती, और इस तरह से या तो लड़के लड़के का अपना दिमाग बदल जाता है, उनको लगता है कि नहीं जी अब तो मैंने करियर बनाना है, मैंने करियर पर फोकस करना है, शादी वादी कौन करेगा अभी। सो द पॉइंट इज दिस कि प्लीज सोच समझ के रिलेशनशिप स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं कि आपने इन फ्यूचर शादी करनी है उस लड़के से या लड़की से, तो प्लीज फिर सोच समझ के आप लोग इस फेज में आए, अदरवाइज आई सेट अ कंप्लीट नो। अच्छा जी, अब अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपने क्या करना है, दीवारों से थोड़ी सर मारना है, आपने फुल एक एनर्जेटिक तरीके से बैक कमबैक देना है। होता क्या है कि जब ब्रेकअप होता है पाकिस्तानी सोसाइटी में ये होता है कि ड्रामों की तरह, फिल्मों की हीरोइन की तरह जो लड़कियां होती हैं वो जो है बिल्कुल यू नो थोड़ा सा सॉफ्ट मनाने के फेज़ में चली जाती हैं, लड़के भी जो है ना ख़ुदकुशी का सोच रहे होते हैं या अपने आप को हार्म करने का सोच रहे होते हैं, बिल्कुल देवदास बन जाते हैं। अब आपको ये नहीं करना, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर मैं उदास हो जाऊँ, अपसेट हो जाऊँ कि यू नो हाय अल्लाह ब्रेकअप हो गया, हाय अल्लाह उसने मुझे छोड़ दिया, हाय अल्लाह उसने मुझे चीट कर लिया, हाय अल्लाह उसने मुझे डिश किया, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, स्टॉप थिंकिंग मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, जस्ट थिंक कि शुक्र है मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मेरे लिए एक लाइफ लेसन है, मुझे हमेशा के लिए समझ आ गई कि अब मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें टाइम के साथ अच्छी लगती हैं, अभी आप स्टूडेंट हो और आप एकदम से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में चले गए, अभी आप स्टूडेंट हो तो जी अम्मा ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली या आपको कोई पसंद आ गई और आप पीछे पड़ गए हो कि जी शादी कर लें, तो जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी सोच बदलती है। तो अक्सर ब्रेकअप्स इसीलिए हो जाते हैं कि जब बंदा मैच्योर हो जाता है या उसका थोड़ा सा देसी अल्फाज में कहें कि बस अब उसको वो अच्छी नहीं लगती या दिल भर जाता है लड़की का या लड़की का, तो फिर वो सोचते हैं कि जी अब पैकअप होना चाहिए बजाय के पैचअप के। सो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, पहली चीज़ कि देखें Just ignore it. रिवेंज मोड में बिल्कुल नहीं आना है कि यू नो मैं उससे बदला लूँगी या मैं उससे बदला लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, खुदा ना खास्ता मैं यू नो कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे उस लड़की की इज्जत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा कर लूँगी कि जिससे उस लड़के के माशरे में डिफेम हो जाए, बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।
हमेशा ऐसे सिचुएशन को अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए कि या अल्लाह आपने अच्छा किया कि मुझे ऐसा फेस दिखाया, अब मैं आगे ख्याल रखूंगा. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस दैट यू हैव टू इग्नोर द सिचुएशन रादर देन बीइंग अ देवदास एंड अ पारो. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट टेक इट लाइट. ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, टूटते हैं, फिर पैचअप्स होते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर शादियां टूट जाती हैं. देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कंटिन्यू रखने के लिए बहुत पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, जो आजकल हमारे यंगस्टर्स में भी नहीं है और एडल्ट में भी नहीं है. नाउ द थर्ड थिंग इज़ दिस कि सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है इंसान की. अगर वो बंदा या वो बंदी आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा, या अब उसका दिल आपसे भर गया है, या अब उसको कोई और पसंद आ गया है, या वो इतना मसरूफ़ है कि उसके लिए अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे भाई मेरी बहनों क्या ज़रूरत है कि आप उसके लिए सौग मनाओ. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने आप को वैल्यू दें कि यार मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट है ना, मैं पागलों की तरह उसके पीछे ख्वार हूँ और उस बंदे को या बंदी को ये पता ही नहीं है. अगर उसको आपकी फिक्र होती तो ये स्टेज पे आप आते ही नहीं जिस स्टेज पे आप अभी हो. बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या पैचअप हुआ है, तो मेरी उन तमाम लोगों के साथ गुड विशेज़ हैं. Now the last thing is this ki please don't search your happiness in other people. Like मैं क्यों अपनी खुशी दूसरों में ढूंढूं, मैं खुद क्यों खुश नहीं रह सकती. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं. हमें अपनी खुशी अपने आप में ढूंढने की ज़रूरत है. अगर आप अंदर से खुश हैं, आप खुद खुश हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बोल्ड हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो प्लीज़ अपनी खुशी दूसरों में ना ढूंढा करें, खुद खुश रहना सीखें. इसके बाद डोंट फील देयर एग्जिस्टेंस. अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या उस बंदे ने आपको डिच कर लिया है या आपको चीट कर लिया है या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, तो खुदारा प्लीज़ 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 ऐसे बिहेव करें कि वो बंदा या वो बंदी ज़िंदा ही नहीं है. यू नो उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल आपने फील ही नहीं करना, आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना है. अगर आप फील करोगे तो वो कहेगा देखो मैंने इसे हर्ट किया, आप ये बिल्कुल जो है ना पारों की तरह बैठ के अफसोस कर रही है, तो वो खुश होगा कि आप हर्ट हुए हो. तो इसलिए आपने बिल्कुल भी ऐसा जेस्टर नहीं देना कि आप हर्ट हुए हो. आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कम बैक करना है एजुकेशन में, कम बैक करना है सोसाइटी में, कम बैक करना है करियर में. मूव ऑन विद ग्रेस. बड़े ग्रेसफुल तरीके से दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करें, क्योंकि जितना आप रोएंगे धोएंगे उतना ही आपके दोस्त आपसे कट जाएंगे, आपके फैमिली वाले पिस्ड ऑफ हो जाएंगे, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे. सो बेहतर ये है कि हम मूव ऑन होना सीखें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आगे क्या करना है. जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करती हूँ. मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो वरना आप लोग बोर होंगे. सिंपल है, अपने आप को बिजी रखें. सेकेंडली देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी अनप्रडिक्टेबल है. यू नेवर नो कब आपकी ऊपर जाने की बारी आ जाए. तो कोशिश करें छोटे छोटे गोल्स सेट करें, उन गोल्स को सेट करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड टाइम स्पेंड करें, जो आपके अच्छे मुखलिस दोस्त हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें. अपनी एनर्जी ज़्यादा इस चीज़ पे ना लगाएं कि उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया. छोड़ दिया तो क्या हुआ, उससे बेहतर शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई इंसान बनाया होगा या कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनाया होगा. तो अगर किसी एक ने आपको छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी दुनिया ख़त्म है. Love yourself. Rejection, cheat, ditch, fraud is a part of life. इसको अपने सर पे खुदारा सवार नहीं करें. बिल्कुल ग्रेसफुल तरीके से कम बैक दें, किसी की फिक्र ना करें, क्योंकि अगर आप रोएंगे धोएंगे ना तो ये सोसाइटी आपको छोड़ देगी. सो आपको रोना धोना नहीं है एंड यू हैव टू कम बैक विद द ग्रेथ. आप इतने काबिल बन जाओ, इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि वो शख्स, चाहे वो कोई लड़की है या वो लड़का है, उसे खुद रिग्रेट हो यार मैंने किस डायमंड को खो दिया, यू नो, या मैंने
कितने खूबसूरत इंसान को खो दिया। सो आपको उस लेवल पे आने के लिए प्रेजेंट माइंडेड होना पड़ेगा और रोना धोना नहीं करना। दैट इज फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट में हमें फीडबैक दें। अगर आपको बुरा भी लगा हुआ है तो तब भी आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम किन मौजूआत पे बात करें। कोई आइडिया, कोई सजेशन, एनीथिंग इज मोस्ट वेलकम। इवन द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।